नहीं नहीं अब इधर से खींचेगा ना फिर ये सही हो जाएगा। यहाँ पे जी हम बनाने लगे हैं चिकन कढ़ाई और कुकर में बनाएंगे चिकन कढ़ाई। बहुत ज़बरदस्त थी, मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई जो जल्दी से बन जाएगी। तो मैं वो रेसिपी बताती हूँ जो आपको जल्दी जल्दी से बन जाए, क्योंकि मैं वो काम करती हूँ जो मैं खुद करती हूँ, सबको भी बताती हूँ। किचन में मेरा काम होता है ऐसा और पार्लर में भी होता है। तो सबसे पहले हमने चिकन डाल दिया, साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। आप यहाँ पर लहसुन अदरक जो है वो मैंने फ्रेश कूट लिया है, इसमें हरी मिर्चें ज़ीरा और अदरक लहसुन जो है वो सब कुछ इसमें डाला हुआ है। इसका पेस्ट बना के इसमें हम डाल देंगे इस तरह, और इसको बस अच्छे तरह भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। और मेन रेसिपी ये जो है वो ज़बरदस्त सी रेसिपी मेरी भाभी की है, मेरी छोटी भाभी राबिया जो है वो पकाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मज़े की पकाती हैं। तो आज मैंने रेसिपी उनसे पूछी और उसी तरीके से आपको बताऊँगी। तो बाकी इसको ज़रा सा हम भून लेते हैं। अब यहाँ पर हमने चिकन को अच्छी तरीके से लहसुन अदरक में भून लिया है, और एक बड़ा चम्मच हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे और आधा चम्मच हम हल्दी का डालेंगे। तो इसको डाल के हम अच्छी तरह से पहले इसमें भूनेंगे, फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको धनिए में और हल्दी में जो है अच्छे तरीके से इसको भून लिया है, और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दूँगी 4 टमाटर जिनके छिलके उतरे हुए हैं, इनके छिलके उतार लेंगे हम और इसको डाल देंगे साथ ही। और यहाँ पर मैंने ले लिया है लाल मिर्चों का आधा चम्मच और कुटी हुई आधी मिर्चें का चम्मच है दर्रा मिर्च का, और तिक्का मसाला आप कोई भी कंपनी का ले लें। मैंने तिक्का मसाला नेशनल का लिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और साथ नमक है आपके टेस्ट के मुताबिक। बस ये सारा कुछ इसमें डाल देंगे और इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे, और जो मसाला लगा है प्लेट में उसमें पानी थोड़ा सा डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे प्लेट में रह गया था मसाला, तो वो हमने सारा इसमें से निकाल लिया है। तो बस इसको थोड़ी सी देर भूनते हैं हम अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देख लें कि हमारे टमाटरों ने जो है अच्छा खासा पानी छोड़ा है, तो बस इसको बस टमाटर का पानी जो है खुशक होने में इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे, और भुनने के बाद इसमें हरा धनिया और मिर्चें डाल देंगे, क्योंकि इसकी भुनाई जो है वही सबसे अच्छी होगी। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी अच्छी हमारी कढ़ाई बनेगी। बस मेरे ख्याल से चिकन तो इसी में ही गल गई है। ये लीजिए हमारी जो है ज़बरदस्त सी कढ़ाई रेडी हो गई है, बहुत ज़्यादा मज़े की। और अभी इसके ऊपर हरी मिर्ची और धनिया डालते हैं और फिर बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, बहुत मज़े की है। और साथ जो है वो मैंने गोभी गोश्त भी बनाया है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैंने मिट्टी की हांडी में गोभी गोश्त बनाया है, ये देखें। इतने मज़े का ये भी है। तो बस अब मैं रोटियां डालूंगी और अपने बच्चों का वेट करूंगी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, दुकान पे खाना जाएगा और बच्चों को देना है। इसका ढक्कन बहुत गर्म है इस तरह।